नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यारों, आप लोगों के लिए कि ये शॉर्ट वीडियो है, जो भी बच्चा ऐसा है जो SBI PO प्री और IBPS PO मींस दोनों का एग्ज़ाम देने वाला है, और आपको जैसे पता है कि डेट्स बहुत ज़्यादा क्लोज रख दी गई है, जिसके कारण रिमेनिंग डेज में क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए और कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक है जी, तो इसके बारे में डिटेल में अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि SBI PO प्री की डेट्स क्या हैं। तो 1 तारीख है 1 नवंबर, 4 नवंबर एंड 6 नवंबर, और IBPS PO मीन्स की हमारी डेट है 5 नवंबर की डेट। तो अब आज से ही अगर अपने बात करें तो क्या रूटीन रहना चाहिए था, या कल से बात करें तो क्या रूटीन रहना चाहिए। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको दो पार्ट में अपना पूरा दिन आपको डिवाइड करना है, एक तो प्री प्रिपरेशन और मेंस प्रिपरेशन। और प्री में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर यार। अगर आप सही में मेंस फाइट कर रहे हैं, या फिर आपको ये रियलाइजेशन है कि नहीं सर मेंस में हमारा कोई चांस ही नहीं है, हमने तो अभी तक सिलेबस ही नहीं किया है, तो वो अलग बात है। फिर तो आप मेंस जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्रिस्टल क्लियर है कि यार हाँ, मुझे प्री की ही अच्छे से पढ़ाई करनी है पूरे दिन। बट ऐसा है कि नहीं सर, मैंने मेंस की बहुत अच्छे से मेहनत की है और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेंस देने का मुझे मौका मिले। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्री के लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। प्री के डेली 2 मॉक्स निकालिए, वो मोर देन सफिशेंट है विद एनालिसिस। तो एनालिसिस का 1.5 घंटा दोनों मॉक्स को मिला के, और 1-1 घंटा आपका मॉक्स का, 3.5 घंटे का अपने टाइम ले रहे हैं। लेट्स सपोज कि 3.5 से कुछ बच्चों के लिए 4 तक भी चला जाए, बट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिन के कितने आवर्स पढ़ोगे, नॉर्मली आप 10 घंटे की पढ़ाई निकाल रहे थे, ये मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब अपने को 1 घंटा मिनिमम और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है चीज़ें हेक्टिक हो रही है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा हमें अपना इनपुट। ठीक है, तभी अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो 11 घंटे का अपने प्लान बना रहे, 3.5 से 4 घंटे अपने ने प्री को दे दिए, जिसमें 2 मॉक्स निकाल रहे हैं और 1.5 घंटे का एनालिसिस कर रहे हैं। कोई क्लास व्लास करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, क्लास कर भी रहे हो तो मॉक वाली क्लास करना, जिसमें पूरा पूरा मॉक आपको करवाया जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको लगे वैसा आप फॉलो कीजिएगा, मेरा ये मानना है पर्सनली, क्योंकि अब दिन ज़्यादा बचे नहीं है और साथ में मेंस की भी पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, बचा हुआ जो 5 घंटे का, सॉरी बचा हुआ जो 7 घंटा है वो कैसे डिवाइड करना है, या बचा हुआ 7.5 घंटा है वो कैसे डिवाइड करना है। तो जनरल अवेयरनेस के 1.5 घंटे का आप टाइम निकाल के रखें रिविजन के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो 1.5 घंटा रहना ही रहना है। और आखिरी के 1-2 दिन में वो नंबर आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 3 घंटे के अराउंड चला जाएगा, जब आखिरी के 1-2 दिन बचे या 2-3 दिन बचे तब। बट अभी के लिए, आने वाले वीक या 10 दिन 12 दिन के लिए, जब तक आपका नहीं आ रहा है मेंस का, तब तक के लिए अपना बढ़िया 1.5 घंटा चाहिए का रिविजन। उसके बाद एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स का बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, या उनके सेक्शनल मॉक निकालना, या सेक्शन मॉक करके एनालिसिस करना, या सेक्शनल मॉक और क्लासेस दोनों कर पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर क्या करें, ऐसा कीजिए कॉम्बिनेशंस बना लीजिए कि एक दिन रीजनिंग क्वांट्स पढ़ रहा हूँ मैं यार, एक दिन क्वांट्स इंग्लिश पढ़ रहा हूँ यार मैं, एक दिन रीजनिंग इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। और ये कॉम्बो भी इवन आउट होना जरूरी नहीं है कि सर रीजनिंग क्वांट का है, फिर क्वांट इंग्लिश का है, फिर रीजनिंग इंग्लिश का, और फिर से वन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इंग्लिश के सर इतने सारे कॉम्बोज की जरूरत नहीं है, मेरे को इतने सारे सेशंस की जरूरत नहीं है, इंग्लिश का मैं थोड़ा कम भी करूंगा और मैं क्वांट्स का ज्यादा कर रहा हूँ, तो क्वांट्स वाले कॉम्बोज आप ज्यादा रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन यार, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मैं ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अपने कॉम्बिनेशंस में पढ़े, बजाय कि एक ही दिन में तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स करने की कोशिश करें, क्योंकि प्री के भी अपने 2 मॉक्स निकाल रहे हैं, उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, साथ में जीए का रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में पढ़े। उसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या कर सकते हैं। सर अगर हम रीजनिंग क्वांट्स पढ़ना चाहते हैं तो भैया आप हमारे सब्सक्रिप्शन को लीजिए, वहां से कंप्लीट कीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ऑलरेडी आपको करवा रखी है। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के ऑलरेडी इतने कोर्सेज आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे करवा रखे हैं। अभी करंटली मेरा संपूर्ण बैच चल रहा है, टॉपिक वाइज अपना चल रहा है सिलेबस, अच्छा प्रैक्टिस के लिए M3 Volume 3 चल रहा है, वो आप कर सकते हो। दशहरा सेल चल रही है, आप लोगों का ऐसा है कि नहीं सर हमें तो आगे के लिए भी चाहिए, हमें SBI क्लर्क भी टारगेट करना है, SBI PO भी टारगेट करना है ना, RBI असिस्टेंट भी टारगेट करना है, और भी जो जो नोटिफिकेशन आएंगे सबको टारगेट करना है, आप हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन ले, मम्मी सब्सक्रिप्शन ले। दशहरा की इतनी शानदार सेल चल रही है, 25% ऑफ है यूजिंग द कोड NAV25, सब कैपिटल में रख के विदाउट एनी स्पेस NAV25 ये लगाइए, और अभी जाके परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और ऐसा है कि नहीं सर हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हमने सारे पैसे ड्रीम इलेवन में लगा दिए तो अब हमारे पास बिल्कुल नहीं बचे हैं। तो उसका इलाज ये है कि आप यूट्यूब से कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? M3 2021, M3 2022। भाई अच्छा नहीं लगता ये बोलना, बट मजबूर कर देते हैं लोग, क्या करें। M3 2021, 2022, 2023 जितना कंटेंट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म्स में कहीं पर भी मिल जाए, ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से। ओपन चैलेंज कहीं नहीं मिल सकता आपको, कहीं नहीं मिल सकता। आने वाले 2 साल तक पढ़ाना छोड़ दूँ ना, और बाकी लोग 2 साल तक उस लेवल पे उतना ज़्यादा करवा पाए तो उतना करवा पाएंगे। विश्वास नहीं होता तो जाके देख लेना, ये फ्री वालों के लिए। जो पेड में चाहते हैं, सेल चल रही है, फॉलो करो, ठीक है जी। तो अब अपने बात कर लेते हैं कि सर जैसे मैंने रीजनिंग क्वांट्स का कॉम्बो लिया तो कितना कितना टाइम मैं दे पाऊंगा? आराम से आप 3 3 आवर्स का टाइम दे दोगे, 3 3 आवर्स का आराम से टाइम दे दोगे। 3 3 घंटा तो खूब होता है, उसमें आप क्लास भी कर सकते हो, छोटा मोटा एक सेक्शनल सेक्शनल मॉक भी निकाल सकते हो। अच्छा सर फुल मॉक सेक्शनल मॉक किसका बता दो। मैं प्रिफर करूंगा कि आप लोग सेक्शनल मॉक थोड़े ज़्यादा दें। फुल मॉक अब आप जैसे कि पेपर से पहले अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो 2 3 फुल मॉक्स भी दे दोगे ना तो वो भी सफिशियंट है, 2 3 फुल मॉक्स भी सफिशियंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, और फुल मॉक पूरा का पूरा दिन ले जाता है यार, पूरा का पूरा दिन ले जाता है। तो उस तरीके से प्लान करना है कि भाई फुल मॉक देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, फिर इतना ही टाइम बचेगा कि सर जीए का मे बी हम रिविजन कर लें, या प्री का एक आध मॉक और दे लें। थक जाएंगे तो वो तो नहीं कर पाएंगे, मे बी जीए का रिविजन कर पाए, इतना ही टाइम रहेगा विद पूरा मॉक देना और उसका एनालिसिस करने में। तो वो थोड़ा सा ध्यान से आप प्लान कीजिएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 3 सफिशियंट रहेंगे, और उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी सेक्शनल मॉक्स वगैरह आप दे सकते हैं, उसके लिए आपके पास मैंने जैसे बताया कि 3 3 घंटे का आप दोनों का रखते हैं, जो भी आप कॉम्बो सब्जेक्ट रख रहे हैं उसमें क्लास भी आप निकाल सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं तो आइडियली प्रेफर करता कि आप 11 घंटे भी क्यों, 12 घंटे पढ़ो यार, कितने घंटे की नींद चाहिए होती है? 8 घंटे की नींद ही चाहिए होती है, उसके अलावा बाकी सारे काम 4 घंटे में हो ही जाते हैं, खाना पीना हगना धोना सब कुछ हो जाता है 4 घंटे में, और कितना चाहिए होता है? कुछ और काम तो अपने को करना भी नहीं है बचे हुए दिन में। हाँ भाई, तो 12 घंटे की पढ़ाई भी कोई ज़्यादा नहीं, 12 घंटे, 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाल लोगे ना तो मज़े से सेक्शनल मॉक भी निकल जाएगा, उसका थोड़ा एनालिसिस भी हो जाएगा साथ में, अगर कर पाओ तो। मैं तो ये बोल रहा हूँ सिलेक्शन के लिए जो सीरियस है, मैं होता आपकी जगह पे तो बिल्कुल मैं तो 12 के क्या 13 बना देता इसके, पर ठीक है 12 घंटे तो जरूर पढ़ता ही पढ़ता। तो अगर पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया है, सेक्शन मॉक के लिए भी टाइम मिल रहा है। बीच में 2 3 दिन ऐसे रख लेना जिसमें आप फुल मॉक्स दो और साथ में जीए का रिवीजन का हो, बस और कुछ ना हो पाए उसके अंदर। क्योंकि फुल मॉक दोगे पूरा अच्छे से, पूरा तरीके से देना, टाइमिंग ऐसे रखनी जो पेपर के अंदर टाइमिंग जिस तरह की फंसने वाली है उस तरह के टाइमिंग में पेपर देना, उसका अच्छे से डिटेल एनालिसिस, ठीक है। देन बचे हुए टाइम में भी जीए रिवीजन और हो जाएगा, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो बचे हुए दिन में, मेरा पर्सनल सजेशन। अब कुछ बच्चों के ये भी सवाल है कि सर लेट्स सपोज कि मेरा 1 तारीख को है, तो 1 दिन पहले, अब इसमें 1 दिन पहले 1 दिन बाद वाला जो थ्योरी अब लगेगी नहीं, क्योंकि अपने पास वो कंफर्ट नहीं है कि सर 1 दिन पहले अपने रिलैक्स करें। मैं तो बोलूँगा 1 दिन पहले भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ही कर लेना, चाहे प्री की इतनी नहीं कर पाओ तो मेंस की ज़रूर कर लेना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, तो वो अपने इस बार कंफर्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है जी। और कंप्लेंट का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यार क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिटीज़ इतनी इतनी दूर पड़ने वाली है, जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब की कंप्लेंट, इवन इंटरव्यू का जिन बच्चों का SVAPO प्री के साथ क्लैश करा, इंटरव्यू की डेट पहले चेंज कर चुके हैं ये लोग, प्री की मैंने कभी करते भी नहीं देखा बट इंटरव्यू की डेट चेंज कर देते हैं ये लोग। तो जिनका इंटरव्यू और SVAPO प्री सेम डेट में फंस रहा है वो तो ज़रूर ज़रूर डालो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी चेंज हो जाएगी इंटरव्यू डेट तक, उसका टेंशन मत लेना। बाकी अच्छे से पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो। आज यूट्यूब की क्लास नहीं ले पाया क्योंकि आज जो मेरा बेटा है लड्डू वो घर पे आया है पहली बार यार हॉस्पिटल से, तो उसी की तैयारियां में, उसके वेलकम में, उसी में लग गया। तो अपनी जो पेड वाली क्लास थी वो भी 5:30 बजे मैंने ली, 5:30 से अपने आई थिंक 7:15 तक चल रही थी वो क्लास, तो वो क्लास लेने के बाद टाइम नहीं बचा यूट्यूब की। कल आपकी यूट्यूब की बहुत तगड़ी IBPSPO मेन्स मॉड्यूल नंबर 6 होगा और आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, और M3 वॉल्यूम 3 में भी शानदार सेशन रहेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें मैंने शानदार शानदार ऑलरेडी मेन्स की प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है जी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपका भी लिंक है, साइट का भी लिंक है, और अभी करंटली सेल चल रही है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। दिस ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।